राधे तू बड़ भागिनी जन कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के तारण तरण ये तेरे आधीन। बोलो जय श्री राधे राधे राधे। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ भेंट द्वारका, जहाँ पर श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए सुदामा जी आए थे, और श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आए और अपने आंसुओं से जहाँ पर उनके चरण पखारे थे। भेंट द्वारका के रास्ते में बड़े सुंदर ये दृश्य पड़ते हैं। वहाँ ज़्यादातर समुद्र का किनारा है, ज़मीन तो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, बस वही अपनी बबूल पैदा हो रखी हैं। और जैसे ही हम यहाँ से पहुँचे, और पहुँचने के बाद वहाँ से सीधा एक पोर्ट है ये, जहाँ पर मछली पकड़ने का कार्य सबसे ज़्यादा है। छोटा सा एक गाँव है 10,000 की आबादी का। यहाँ पर हम पहुँचे, यहाँ से जा करके 30 रुपये लेते हैं मात्र बोट में जाने के और 30 रुपये आने के। अभी फ़िलहाल बोट से ही आना जाना है। मैं अभी आपको रास्ते में देखो, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं हमारा पुल, ये पुल तैयार अभी हुआ नहीं, हो रहा है। हम स्पोर्ट पे पहुँचे, यहाँ से ये पहुँचने के बाद में हमने नाव में बैठे, एक नाव में लगभग 250-300 लोग बैठते हैं, और नाव में बड़ा सुंदर सफ़र होता है। आप लेकर चलते हैं और रास्ते में सुंदर बहुत ही मोहक दृश्य जैसे कहते हैं, बहुत ही विदेशी पक्षी भी यहाँ पर नज़र आएंगे आपको। और यहाँ आने का समय आपकी बीवी आ जाइए, बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा गर्मियों को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मौसम वैसे सम रहता है। और ये द्वारका से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, शिवराज बीच और क्या नाम है, अन्य जगह हैं जैसे कि गोपी चंदन एक है, गोपी कुंड, और उसके अलावा रुक्मिणी देवी जी का मंदिर, और भी कई पॉइंट्स आपको पड़ेंगे। बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब यहाँ पहुँचोगे तो बहुत ही लाजवाब जगह है। और दूसरी चीज़ इसमें एक और है कि इसमें हम जब पहुँचते हैं यहाँ पर, तो पहुँचने के बाद में अंदर आप देखेंगे तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश वाला सिस्टम यहाँ लागू हो जाता है। अंदर हमें तस्वीरें लेने से मना किया गया था। देखिए, बाहर से मैंने पुल की तस्वीर ली है, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन, ये पुल बनकर तैयार हो रहा है यहाँ से। और फिर यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो अंदर जा करके थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है, वहाँ पर कैमरे हमारे जमा हो गए थे, इसलिए सिर्फ मैं आपको आने और जाने का ही रास्ता दिखा पा रहा हूँ। जैसे यहाँ से पहुँचे, ठीक है, पहुँचने के बाद में हमने यहाँ दर्शन किए, बहुत ही मोहक दर्शन होते हैं, आराम से रोक करके आपको कथा सुनाई जाती है यहाँ की, और वहाँ उसके बाद में आगे चल दिया जाता है। फिर हम वहाँ से वापस हो लिए, ये वापसी के अंदर की मैं दिखा रहा हूँ, पहले आने का था ये जाने का है आपका। खर्चा कोई ज़्यादा नहीं है, टैक्सी से आओगे तो 1500 रुपये में हो जाएगी यहाँ के लिए। अप एंड डाउन सारे पॉइंट्स दिखा देंगे, और मैंने आपको बस बताई पिछली वीडियो में भी, अगर यदि आप द्वारका नगर निगम की बस करेंगे तो उस बस से आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे मात्र, वो सारे पॉइंट्स आपको दर्शन करवाते हुए ले जाएंगे। ये वापसी में जब वापस आए तो रास्ते में टाटा नमक की फैक्ट्री थी, देखिए टाटा केमिकल्स के नाम से। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें।